नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं गया की, जहां वजीरगंज प्रखंड महुआइन मध्य विद्यालय में भारी अनियमितता बरती जा रही है। इस विद्यालय में कुल नामांकन लगभग 600 से अधिक बच्चे हैं, लेकिन विद्यालय नियमित नहीं खुलने के कारण बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जब मीडिया कर्मी विद्यालय पहुंचे तो शिक्षक क्लासरूम को खोलने लगे। जब इस बाबत बात करने की कोशिश की गई तो कहा गया कि आप मीडिया के लोगों को विद्यालय में आने का कोई अधिकार नहीं है। विद्यालय परिसर में एक भी बच्चा स्कूल ड्रेस में नहीं था, कुछ बाहरी बच्चे खेल रहे थे। यहाँ मध्यान्ह भोजन भी नियमित नहीं वितरण किया जा रहा था, जबकि प्रतिदिन 300 से अधिक विद्यार्थियों का उपस्थिति दर्ज की जाती है। किसी भी बच्चे को मध्यान्ह भोजन नहीं मिलने के कारण विद्यालय नहीं आते हैं। शिक्षक 2-3 दिन पर एक बार जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर देते हैं। वार्ड सदस्य के पति पप्पू कुमार ने कहा कि जब विद्यालय खुला रहता तो बच्चे स्कूल ड्रेस में यहां रहते, लेकिन स्कूल बंद होने के कारण बाहरी बच्चों का खेलने के लिए जमावड़ा लगा रहता है। जब आप लोग आए हैं तो क्लासरूम खोला जा रहा है। जब विद्यालय खुला रहता है तो क्लासरूम का ताला अभी क्यों खोला जा रहा है? आप चाहे तो गांव की जनता से पूछताछ कर सकते हैं कि विद्यालय कितना खुलता है और कितने दिन मध्याह्न भोजन दिया जाता है। और चमचागिरी बंद करना बंद कर दे, कंप्लेन करना बंद कर दे। यहाँ पे किसी का मतलब बाहुबली कोई अति नहीं चलने वाला है। यहाँ पे सरकार काम का है। काम का बात कीजिए, चलिए आइए, बाहर आइए। रमेश जी कहने सब क्लास बंद क्या हुआ?